दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और ITI नोटिफिकेशन को लेकर। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये जो नोटिफिकेशन निकल के आया है ये पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जितने भी डिग्री डिप्लोमा और ITI पास स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ से अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए, इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20/1/2023 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20/3/2023 यानी 20 मार्च 2023 रखी गई है। तो जितने भी डिग्री डिप्लोमा और ITI पास स्टूडेंट हैं और वे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक साल की अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नीचे किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन अप्रेंटिस में जो टोटल वैकेंसी है वो 106 है। जनरल की बात करें तो 64, SC की बात करें तो 27, OBC 11 और PWD 4। वहीं बात कर लेते हैं डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 36, जिसमें जनरल में 22 सीटें हैं, SC में 9, OBC में 4 और PWD में 1। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में जो टोटल पोस्ट है वो 297 है, जिसमें जनरल के लिए 181, SC के लिए 74, OBC के लिए 30 और PWD के लिए 12 सीट निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये केवल ओनली फॉर जो पंजाब के निवासी हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ओनली पंजाब रेजिडेंट डोमिसाइल कैंडिडेट विल बी कंसीडर। तो जो भी बच्चे पंजाब के हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जैसा कि आप लोग को ये दिया गया है, इसको आप लोग देखेंगे कि आल कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस पंजाब डोमिसाइल इशू बाय आफ्टर 1/1/2023। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे डोमिसाइल के बारे में जो डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं डिप्लोमा डिग्री और ITI। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वालिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को रीड करना तो आप पंजाब पावर कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल साइट पर आकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके फुली रीड कर पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैटेगरी वाइज जो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये डिग्री इंजीनियरिंग है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, और जो दूसरी पोस्ट है ग्रुप में बी की जो ए डिग्री इन इंजीनियरिंग ए टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस सच डिग्री बाय द ACT ऑफ पार्लियामेंट। अगली जो पोस्ट है जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे तो अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो मंथली सैलरी है वो क्या मिलने वाली हो, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं उनको 9000 पर मंथ और जो डिग्री यानी ग्रेजुएशन आप BA, BSc और BCom के स्टूडेंट हैं उनके लिए 9000 और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं यानी डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उन्हें 8000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो 2023 में जितने भी टेक्निकल पैरामीटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कई जगह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और
मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।